पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का नाम जिसमें शामिल है, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज फिर एक नया खुलासा हुआ है जो आपको चौंका देगा। अब खबर है कि अर्पिता मुखर्जी के चपरासी को लेकर जो उसकी कंपनी का ही डायरेक्टर निकला है। जी हाँ, इस मामले में नामी चैनल TV9 के मुताबिक एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक और ईडी के अधिकारी अर्पिता से पूछताछ कर रोज नए खुलासे कर रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों को पहले ही अर्पिता मुखर्जी की कई फर्जी कंपनियों की सूचना मिली थी। ईडी अंदर खाने ही इन सब कंपनियों की जांच करने में लगी हुई थी। फर्जी कंपनियों की जांच में जुटी अधिकारियों के भी हाथ एक बड़ी सूचना लगी कि अर्पिता मुखर्जी की एक फर्जी कंपनी का डायरेक्टर उनकी ही कंपनी का एक चपरासी है। जैसे ही ये खुलासा हुआ, ईडी अधिकारी भी कान खुजाने लगे और सोचने लगे कि आखिर अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी के भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी और गहरी हैं, कितने छापे मारने अभी बाकी हैं। बता दें कि बेलघरिया स्थित अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट के पते पर ही जमीरा सनशाइन लिमिटेड नाम की एक रियल स्टेट कंपनी रजिस्टर्ड है। जो कंपनी का डायरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि वह वास्तव में किसी अन्य कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा चपरासी है। उस रियल इस्टेट कंपनी के डायरेक्टर के रूप में नामित व्यक्ति कोलकाता के रहने वाले देवाशीष देवनाथ हैं। दरअसल देवाशीष किसी अन्य कंपनी में चपरासी का काम करते हैं। देवाशीष देवनाथ साल 2020 से रियल स्टेट कंपनी के निदेशक हैं। बता दें कि इस रियल स्टेट कंपनी में जिस ईमेल आईडी का उल्लेख किया गया है, इसके अंग्रेजी में पहले 3 शब्द हैं ARP, जो कि अर्पिता के नाम से हैं। अर्पिता के नाम से दो अन्य कंपनियां सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड और सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का भी जिक्र हुआ है और इस ईमेल आईडी में मिला है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी कभी इस संस्था की डायरेक्टर थी, जिसका पता बेलगरिया के फ्लैट में मिला था, लेकिन बाद में उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया, जिसका कारण अभी साफ नहीं है। जाहिर है कि इसमें भी कोई राज होगा। उल्लेखनीय है कि पूरे देश में इस वक्त बंगाल में हुए घोटाले को लेकर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का नाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अर्पिता के घर दो दो बार छापेमारी की थी, जिसमें इतना कुछ मिलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इन दोनों छापेमारी में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो सोना मिला था। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के घर जब पहली छापेमारी हुई थी तो 21 करोड़ 90 लाख रुपए और 70 लाख रुपए का सोना मिला था, जबकि दूसरी छापेमारी की बात की जाए तो इसमें 27 करोड़ 90 लाख रुपए और 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना मिला था। वाकई ये इतनी बड़ी रकम है कि किसी आम इंसान की सोच से भी ज़्यादा है, और ऐसे में दो दो ठिकानों से ईडी ने ये सारा माल जब्त किया है। और अब देखना है कि आखिर इस घोटाले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।